सब्सक्राइब करें कंप्यूटर मैकेनिक को और बेल का आइकन दबा दें फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कौन से वो पांच प्रिंटर हैं इंकजेट प्रिंटर्स जो कि अभी टॉप पे चल रहे हैं, मतलब टॉप फाइव इंकजेट प्रिंटर्स बेसिकली वो बात करेंगे आज हम। तो दोस्तों नमस्कार, दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल में, आप देख रहे हैं कंप्यूटर मैकेनिक। दोस्तों जो पांचवा प्रिंटर निकल के आता है वो एचपी का एचपी डेक्सजेट इंक एडवांटेज 3635 ऑल इन वन प्रिंटर है। प्रिंट स्कैन कॉपी सब होता है इसमें। तो सबसे पहले हम स्पीड की बात करेंगे। स्पीड की बात करें तो जब ये ब्लैक में स्पीड देता है 8.5 ppm, कलर में देता है 6 ppm। टेक्नोलॉजी इसमें है थर्मल इंकजेट टेक्नोलॉजी, बेसिकली आपको कार्टिज यूज़ करना पड़ेगी प्रिंट निकालने के लिए। प्राइस इसकी है 6140, मतलब 6140। इस प्राइस में बहुत अच्छा प्रिंटर है, ऑल इन वन प्रिंटर है। इसमें आपको वाईफाई की भी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, वाईफाई भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें आपको दो कार्टिज डालना पड़ेगी, एक होती है ब्लैक और एक होती है ट्राई कलर जो कि कलर प्रिंट करवाती है, और ब्लैक होती है जो आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट देती है। तो इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट आपको यूएसबी से कनेक्टिविटी मिल जाएगी और वायरलेस मतलब वाईफाई से आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी इसमें कार्टिज की है, कार्टिज ही यूज़ करना पड़ेगी। और इसमें जो आपको प्रिंट पड़ेगा, प्रिंट इसमें थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रिंटर नहीं है, ज़्यादा नहीं है, 140 का ही है जो ज़्यादा नहीं है, तो ये आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। पर मेरे आगे आने वाले प्रिंटर आपको बहुत कम पड़ेंगे तो उन पर नज़र डालते हैं। जो चौथे नंबर पर प्रिंटर आता है वो है ब्रदर का, ब्रदर DCP-T300 मल्टीफंक्शन कलर प्रिंटर। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है टैंक प्रिंटर वाली टेक्नोलॉजी। टैंक प्रिंटर वाली टेक्नोलॉजी में क्या है कि आपको एक टैंक दिया होगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टैंक दिया होगा, जो कि प्रिंटर के आगे एक अलग ही कंपार्ट बना हुआ है जिसमें लिखा है इंक टैंक सिस्टम, जिसमें ट्राई कलर इंक और ब्लैक एंड वाइट जो इंक है ब्लैक उसका थोड़ा बड़ा है कंपार्टमेंट। और तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, बेसिकली इसमें आपको इंक लिक्विड इंक डालना पड़ती है। लिक्विड इंक से क्या होता है, आपको ये थोड़ा चीप पड़ता है, मतलब थोड़ा आपको कम पड़ता है बेसिकली मेरे पहले वाले प्रिंटर से, सस्ती पड़ती है। ये प्रिंटर सस्ता पड़ेगा, थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ेगा प्रिंटर, ये प्रिंटर है करीब करीब 9000 रुपये का प्रिंटर आपको महंगा पड़ेगा। पर जो बाद में फिर आप इसको बराबर उस पहले प्रिंटर से बराबर ही कर लोगे क्योंकि इसकी इंक बहुत सस्ती आती है। मेनली आप जो तीन कंपार्टमेंट दे रहे हो ना, तीन कंपार्टमेंट ये आप 600 रुपये में भर सकते हो, 600 रुपये में ये वापस रिफ़िल हो जाता है। और एक बार रिफ़िल करने में ये देता है आपको 6000 पेपर्स, मतलब एक बार में आपको ये देगा 6000 पेज। बहुत बढ़िया है। इसकी प्रिंट स्पीड की तरफ हम बात करें तो स्पीड आती है इसकी 27 जो आप ब्लैक एंड वाइट करते हो, और कलर करते हो जो इसकी स्पीड आती है 10 ppm। तो इसकी वारंटी एक साल की रहेगी जो कि आपको कंपनी देगी जिस साइट से आप बाय करते हो, अमेजोन पे अवेलेबल है 9000 रुपये में। तो दोस्तों ये था चौथा प्रिंटर। तो दोस्तों जो तीसरा प्रिंटर निकल के आता है वो है एप्सन का, एप्सन L385 वाईफाई ऑल इन वन टैंक प्रिंटर। इसमें भी टैंक प्रिंटर वाली टेक्नोलॉजी यूज होती है, प्रिंट स्कैन कॉपी वाईफाई, बेसिकली आप कनेक्टिविटी पा सकते हैं यूएसबी से और वाईफाई से। एक बार रिफ़िल कराने में जो 600 रुपये में होता है, एक बार रिफ़िल कराने में ये आपको 4500 पेजेस दे देता है। और कलर की बात करें तो कलर में आपको ये 7500 पेजेस ज़्यादा दे देता है। प्रिंट की स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड कलर के लिए होती है 15 ppm। तो इसकी जो प्रिंट रिजोल्यूशन है वो है 5760 dpi। इसकी वारंटी आपको एक साल के मिल जाएगी, आप इसको बढ़ा सकते हैं अमेजोन के जो A2 कार्ड के ऊपर आता है ऑन साइट 2 ईयर एक्सटेंड वारंटी, तो वहाँ क्लिक करके 800 या 900 रुपये में आपकी ये वारंटी एक साल से 2 साल की हो जाएगी। तो आपको इसकी प्राइस है वो पड़ेगी 14000, बेसिकली 14000 राउंड ऑफ करो तो 14000 का पड़ जाता है। तो इस 14000 का है, इसमें वही टेक्नोलॉजी यूज होती है जैसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे। साइड में कंपार्टमेंट दे रखा है, प्रिंटर पूरा अलग बना रखा है और साइड में कंपार्टमेंट दे रखा है एप्सन का, जहाँ वहाँ पर आपको इंक रिफ़िल करना पड़ती है। और काफ़ी अच्छा प्रिंटर है एप्सन का, मतलब एप्सन का सबसे अच्छा प्रिंटर इस प्राइस में, ये मानता हूँ मैं उसको। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ, जो है हमारा दूसरा कैनन पिक्समा G2000 ऑल इन वन प्रिंटर है, मतलब प्रिंट कॉपी स्कैन इसमें भी होगा। और ये प्रिंटर आपको स्पीड देता है ब्लैक में 5 ipm जब आप कलर प्रिंट करेंगे, और 8.8 ipm जब ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करेंगे। इसमें जो कार्टिज चलती है वही है
टैंक प्रिंटर वाली सिस्टम, लिक्विड इंक डालोगे तो काम हो जाएगा। एक बार में ये आपको देता है 5000 पेजेस जो कि काफ़ी ही अच्छे हैं, और इसमें आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, पर आप एक्सटेंड करा सकते हैं 400-500 रुपये दे के कैनन पिज्मा को। और इसकी जो प्राइस है वो है 10,000, राउंड ऑफ करके देखिए तो इसकी प्राइस कुछ 10,000 है। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर अलग ही एक अलग ही कंपार्टमेंट तो नहीं बोलता, पर हाँ जो यहाँ पर जो आपके फंक्शन के नीचे दो कंपार्टमेंट दे रखे, आपको लग रहा होगा लाइट है पर ये लाइट नहीं है, ये कलर वाले कंपार्टमेंट है, यहाँ आपको कलर रिफिल करनी है। तो इसमें पेजेस अच्छे निकलेंगे, इंकजेट है, इंकजेट होते ही इसके लिए कि पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी निकले। तो ये था मेरा दूसरा कैनन का जो कि काफ़ी अच्छा है, कैनन के इस रेंज में सबसे अच्छा प्रिंटर मुझे ये लगा, इसलिए मैं इसको काउंटडाउन में डाला। तो अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट प्रिंटर पे, जो कि हमारा फर्स्ट काउंटडाउन है, मतलब हमारा जो फर्स्ट है वो है HP DeskZ Ink Advantage 4535। ये भी ऑल इन फंक्शन है, ये आपको प्रिंट, स्कैन, कॉपी और फैक्स भी देता है। इसमें कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी USB वायरलेस की, वाईफाई की। ये आपको डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए, स्मार्टफोन से आपको कनेक्ट कर सकते हैं, पता है HP स्मार्ट, वो आप डाउनलोड करके डायरेक्टली अपने मोबाइल से इस प्रिंटर में प्रिंट निकाल सकते हैं। स्पीड की तरफ चले तो ये ब्लैक में देता है 11 PPM और 9 PPM देता है ये कलर में। टेक्नोलॉजी इसकी वही है थर्मल इंकजेट टेक्नोलॉजी, इसमें टैंक वाली टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती है, इसलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है, जो मेरे पहले वाले 3 प्रिंटर से टैंक प्रिंटर से थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। क्यों एक्सपेंसिव पड़ सकता है? क्योंकि इसमें एक पेज ब्लैक का निकलता है 1.25 रुपये में और कलर का 3.66 रुपये में, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट डाउन रखा है काउंटडाउन में, क्योंकि जो उसकी प्रिंट क्वालिटी है ना वो लाजवाब है, मतलब जो मैंने प्रिंटर बताया उनकी तो अच्छी है पर इसकी बहुत अच्छी है, तो इसको मैं फर्स्ट काउंटडाउन पे इसलिए रखा है। तो दोस्तों ये थे जो 5 प्रिंटर, और HP DeskZ की जो प्राइस है वो आपको पड़ जाएगी मतलब करीब करीब 9,800 में आपको ये प्रिंटर पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये थे 5 प्रिंटर जो कि अभी 2018 में सबसे अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने काउंटडाउन पर डाले, मतलब अच्छे ही हैं एक तरह से, आप देखोगे खुद रिव्यू करोगे तो ये अच्छे ही प्रिंटर्स हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अभी तक आपने शेयर नहीं करी है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, और बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ, लेटेस्ट वीडियो मेरी आप तक पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।